अदरवाइज अंदर बाहर पूरे नमक ही नमक भरा पड़ा है इसके। अभी जैसे 100 के ऊपर जा रहे हैं तो वो ही हल्की 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 कांप रही है। तो वॉशिंग का तो पंगा ट्रिप पे यार, कई सारे डोनट्स मारे थे और कई ऑफ रोडिंग वाले साइड्स भी थी जहां पर गाड़ी बड़ी जोर से खड्डे में गई। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली 24 घंटे बाद भाई हम कार लैग से बाहर है। भाई जैसे होता है ना, एक लंबी फ्लाइट के बाद जेट लैग हो जाता है, भाई अपने को भी लंबे ट्रिप के बाद ऐसे ना कार लैग हो गया था। ऐसे ना रात को लेटे लेटे भी ऐसा लग रहा था कि आप गाड़ी में झूल रहे हो। तो अपना यार लेकिन ट्रिप बहुत अल्टीमेट रहा, बहुत मस्त रहा। 3500 किलोमीटर के आसपास का ट्रिप बना था अपना टोटल। तो फाइनली अब टाइम था यार अपनी गाड़ी को पैम्पर करने का तरीके से, क्योंकि अपनी गाड़ी में यार थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। थोड़ी सी दिक्कत क्या थी, मेन तो था यार ये वाइब्रेशन का। अगर आपने मेरी ट्रिप वाली वीडियोस फॉलो किया तो उसमें मैंने बताया था कि गाड़ी जैसे 100 के ऊपर जाती है तो हल्का हल्का ना ऐसे स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है। तो एक तो सबसे पहले भाई गाड़ी की वॉशिंग करानी, क्योंकि भाई हालत खस्ता है फिलहाल। मैंने फिलहाल शीशे साफ कर दिए थे, बट यार बाहर से मैं दिखाऊं जबरदस्त तरीके से बुरे हाल है। तो एक तो वो करवाना है और उसके बाद एक बार देखेंगे वॉशिंग से फर्क पड़ता है कि नहीं, अदरवाइज फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो भी होने वाला है गाड़ी का। क्योंकि भाई घर पे तो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और वैसे भी यार साफ सुथरी गाड़ी को जब अगली ट्रिप पे लेके जाएंगे गंदी करने का मजा तभी आएगा। और वैसे ये वाइब्रेशन वाली अगर दिक्कत बताऊं मेरे को यार, ये शुरू हुई थी उदयपुर से पहले, मतलब जब मैं वापसी पे था। हालांकि मैंने यार रास्ते में दिखा रहे की कोशिश की थी एक बंदे को, मैकेनिक को, तो उसको भी भाई समझ नहीं आ रहा था। कभी कह रहा था वॉश करा लो उससे हो जाएगा ठीक है, वरना हम अलाइनमेंट कर देंगे, नहीं होगा तो बैलेंसिंग कर देंगे। मेरे पास मेन चक्कर क्या था यार, टाइम नहीं था, क्योंकि यार वॉशिंग में भी कम से कम आधा एक घंटा लेता। उसके बाद यार वैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, गाड़ी फिर से गंदी होनी थी, उसका कोई पॉइंट ही नहीं था। दूसरी चीज व्हील अलाइनमेंट से अब कैसे चेक होता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि पहले वो करता, उसका मैं चला के देखता, फिर वापस आता अगर नहीं ठीक होता तो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था यार वहां पर, क्योंकि मैंने लगभग 10.5 घंटे ड्राइव करना था। तो इसलिए यार उसको समझ में इतना नहीं आया, इसलिए मैंने वहां करवाया ही नहीं। मेरे को ये था चलो आराम आराम से धीरे धीरे गाड़ी घर पहुंचा देते हैं, वहां जाके अपन करवाएंगे इसकी सेटिंग। और यार सबसे बड़ी चीज, आप सभी भाइयों को यार दिल से थैंक यू यार, जो मुझे इस जो लास्ट जो हमने ट्रिप की थी जर्नी टू द वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पे, इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया। भाई ऐसे ही देते रहिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस वो करा के गाड़ी को अगले ट्रिप के लिए भाई तैयार कर देंगे बिल्कुल। मोहाली वापस आके ना सबसे पहला मैं इसका डैश वाला सिस्टम ऑफ करूं, वरना यार इतनी ब्रेकें मारती है ना, कोई भी आगे आ जाए खींच के ब्रेक मार देती है। चलो जी दैट्स इट। अब यार ट्रिप के बाद ना पूरे नमक भरा पड़ा है इसके अंदर, पूरे हर जगह नमक नमक नमक। ये तो साफ कर लिया थोड़ा सा, मैंने झाड़ लिया था, अदरवाइज अंदर बाहर पूरे नमक ही नमक भरा पड़ा है इसके, सारी जगह देश का नमक। तो चलो अभी तो गाड़ी फिर यहीं छोड़ के जाएंगे, और कल जब क्लीन हो जाएगी तभी लेने जाएंगे वापस। तो जी हो गई अपनी गाड़ी रेडी मस्त तरीके से, भाई चमचमा रही है अब तो। जब लेके आया था भाई क्या बुरे हाल थे इस गाड़ी के, लेकिन अब पुराने मोड में वापस आ गई है और अगले ट्रिप के लिए तैयार हो गई है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, पहले इसको अच्छे से थोड़ा सा सर्विस वगैरह लेके जाएंगे। अब मेन मेरे को यार वहां जाके बस यही चेक करवाना है, अब इसमें जो वाइब्रेशन वाली इशू आ रही थी ना किस वजह से आ रही थी, तो यही दिखानी है। वो अलाइनमेंट की वजह से थी, टायरों की वजह से, या सिर्फ वॉशिंग की दिक्कत थी, तो बाकी चलो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से फिलहाल लेके चलते हैं। बाकी एक चीज तो मैंने देख ही ली यार, जिस दिन भी दुल्हाने गाड़ी जाते हैं ना बारिश हो जाती है। आज मैंने कल या परसों, क्योंकि कल मैं गाड़ी देके आया था भाई, इतना बढ़िया साफ सुथरा मौसम था, और आज देखो गाड़ी जब लेने जा रहा था बारिश हो रखी है भाई, जगह जगह तो पानी भर रखा है। तो भाई गाड़ी तो अपनी मस्त तरीके चकाचक हो गई है, लेकिन अभी भी मैंने भगा के थोड़ा सा देखी थी, वाइब्रेशन वाली दिक्कत तो भाई ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से अभी भी जैसे 100 के ऊपर जा रहे हैं तो वो ही हल्की 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 कांप रही है। तो वॉशिंग का तो पंगा नहीं था, अब इसका अलाइनमेंट और वो सब सिस्टम चेक कराते हैं। महिंद्रा में मैंने बात की थी यार, वहां बस इशू ये है रश थोड़ा सा रहता है, तो महिंद्रा नहीं जाएंगे, बाहर कहीं करवा लेंगे। अगर वहां से बात नहीं बनी फिर लास्ट में तो भाई जाना ही पड़ेगा, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है।
तो लेकिन अभी के लिए पहले अपन जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मुझे क्या छोटा सा काम है इसका ना, जो ये एम्बिएंट लाइट है थोड़ी सी निकल गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से ना थोड़ी सी ना निकल रही है, इवन आगे वाला तो मैंने धक्के से ही है। अब ये देखो ये ना थोड़ी सी ना खड्डे खुड्डे बनी आए थे कहाँ पर, वहां पर जब हम गए थे ट्रिप पे तो ये निकलनी शुरू हो गई थी, तो मेरे को था यार ये मैं लगवा ही लेता हूँ। तो अभी फिलहाल चंडीगढ़ जा रहे हैं अपन। ट्रैफिक पूरा है, मौसम बारिश वाला हो रखा है। क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी धुला के लाए हम, इसलिए बारिश वाला मौसम है। इसकी गम वगैरह उतर गई थी क्या? ऐसा लगा दो साला गाड़ी के पुर्जे पुर्जे हो जाएं, ये ना छूटे कभी। एक ना इसका ये मड फ्लैप भी निकल गया था, तो गाड़ी ना थोड़ी सी धुरु धुरु लग रही थी, तो मैं चलो ये भी लगवा लेते हैं, बहाने से आए तो हैं। तो जी अपने चंडीगढ़ काम हो चुका है पूरा। खैर बहुत मेजर काम है, छोटे छोटे काम थे। अब यार ये छोटे छोटे काम ना जुड़ जुड़ के बड़े काम बन जाते हैं। अब इसकी व्हील अलाइनमेंट जो या बैलेंसिंग जो भी होनी है वो करवाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस ट्रिप के दौरान मैंने एक वीडियो ये भी डाली थी कि मैंने गाड़ी की ना मैक्सिमम एवरेज कितनी दे सकती है, मैंने वो देखनी थी। तो उस वीडियो पे कई लोगों ने मुझे ये भी बोला भैया ये एक्चुअल एवरेज नहीं है। तो मुझे पता है मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि ये फेक जो एवरेज है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। मैंने माउंट आबू की उतराइयां उतर रहा था, उतराइयों में कोई एक्सीलेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, गाड़ी अपने आप चल रही थी। तो उस दौरान मेरे को बस यही चेक करना था कि इसका मीटर कितना जाता है, तो वो एक्चुअल एवरेज नहीं है। बट अपनी गाड़ी ने जो एक्चुअल एवरेज पूरे ट्रिप में दी है, टोटल गाड़ी तो चली है 3300 समथिंग किलोमीटर का ट्रिप था ये पूरा, तो उसमें मुझे इस गाड़ी ने एवरेज दी 12.1 किलोमीटर पर लीटर। ये मैं बता रहा हूँ प्रॉपर मैंने टैंक टू टैंक मेजर किया है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है यार पेट्रोल गाड़ी इतनी बड़ी गाड़ी के अकॉर्डिंग। क्योंकि वैसे भी यार मेरे ट्रिप ऑलमोस्ट आप रख लो कि 80-85% हाईवे का था, और हाईवे मैंने बहुत प्यार से 80-90 की स्पीड में, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं की इस ट्रिप में। हाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग थी भाई, खतरनाक एडवेंचरस रोड थे, अदरवाइज मोस्टली रोड थे प्लेन स्मूथ हाईवे थे, और हाईवे पे तो मक्खन की तरह गाड़ी चलाई है, और इसने एवरेज भी बहुत प्यारी दी है। इसलिए यार सभी गाड़ियों की स्पेशली ये पेट्रोल गाड़ियों की एवरेज यार टोटली डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे। बड़े प्यार से आप गाड़ी चलाओगे यार अच्छी एवरेज देगी, भगा भगा के चलाओगे, दबा दबा के चलाओगे, फिर तो भाई ना हो पाएगा, किसी से भी ना हो पाएगा। भाई मौसम इतना गंदा हो रहा है, बारिश होने को हो रही है भाई, लेकिन ये देखो चंडीगढ़ पुलिस आपकी सेवा में चलान पे चलान काट रही है। भाई ये चंडीगढ़ पुलिस ना ये मौका नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। यार एक चीज और मैंने नोट किया, जब से ट्रिप से वापस आया ना भाई इतनी बढ़िया एवरेज देनी शुरू कर दी है इसने। हाईवे पे तो चलो दी, अदरवाइज शहर में ये 7 मुश्किल से धक्का मार के 8 पहुंचती थी, अब भाई साहब 8.3। अब खैर मैंने टैंक टू टैंक तो नहीं चेक की, पर मेरे को मीटर पे इसने कभी भी सिटी में मतलब 7-7.5 से ऊपर कभी भी नहीं दी। आज भाई साहब क्या बात है, कृपा ही हो रखी है गाड़ी की तो मेरे पे। भाई साहब मौसम तो जबरदस्त हो रखा है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, और भाई अब ठंड बढ़ जाएगी बिल्कुल, और ठंड बढ़ेगी तो कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ धुंध भी मिलेगी। हाँ हाँ, तो अभी तो फिलहाल यार घर जाएंगे, और थोड़ा सा एक बार बारिश रुक जाए फिर इसकी अलाइनमेंट वगैरह का काम करवाने जाएंगे। अभी चलते हैं घर, भाई भूख लगी है बहुत। सो फाइनली जी हम आ चुके हैं वापस, और अपनी गाड़ी यार बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है, मैंने खैर भगा के देख लिया तरीके से। तो मेन जो दिक्कत इस गाड़ी की थी, जो वाइब्रेशन फील हो रही थी, वो हो रही थी इसकी बैलेंसिंग की वजह से। अब बैलेंसिंग क्या होता है यार, कई सारी वजह से हो सकता है। आप मेरी गाड़ी में बैलेंसिंग की दिक्कत क्यों आई थी, क्योंकि हमने ट्रिप पे यार कई सारे डोनट्स मारे थे, और कई ऑफ रोडिंग वाले साइड्स भी थी जहां पर गाड़ी बड़ी जोर से खड्डे में गई थी, तो वो कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से आ सकती है। पर इसके अलावा भी कई बार जैसे अगर रिम टेढ़ा हो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन फील हो सकती है। कई बार होता है अगर मान लो टायर आपका प्रॉपरली रिम पे नहीं लगा है, या कोई किस तरह का मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो, तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन फील होती है। तो कभी भी अगर वाइब्रेशन फील होती है तो वो बैलेंसिंग का इशू रहता है, और इसको करेक्शन बहुत आराम से कराते हैं वो मशीन में टायर लगाते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, और बस वो मशीन उनको बताती है किस जगह कौन से वेट की कमी है, तो उतना वेट ऐड या आप माइनस करके वो बैलेंस कर देते हैं। और यही दिक्कत अपनी गाड़ी के साथ ही, तो ऑलमोस्ट मतलब 80 से 100
ग्राम के बीच में यार तीन टायरों में वेट लगा, एक टायर बिल्कुल दिखता है, तीन टायरों में वेट ऐड हुआ है मेरे। हाँ, और इसी के साथ भाई अपने को भी क्लियर हो गया कि अगर गाड़ी वाइब्रेट कर रही है एक स्पीड के बाद तो वो बैलेंसिंग का इश्यू है, लेकिन अगर अपनी गाड़ी चलते हुए राइट को या लेफ्ट को मुड़ रही है, अपने आप स्टीयरिंग छोड़ दो गाड़ी अपने आप लेफ्ट को जा रही है राइट को जा रही है, वो अलाइनमेंट का चक्कर है। तो अलाइनमेंट के लिए भी यार वो मशीन लगाते हैं, वो अलाइन कर देते हैं गाड़ी, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वजह से यार दिक्कत बड़ी हो सकती है कि कई बार क्या होता है गाड़ी इम्बेलेंस होके भाई क्रैश हो सकती है, या ब्रेक प्रॉपर तरीके से नहीं लग सकती, या टायरों का वियर ऑफ बढ़ जाता है उस वजह से। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी के टायर की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाते रहना चाहिए। मेरा अप्रोक्सीमेटली हर सर्विस में मैं करवाई लेता हूँ 10,000 किलोमीटर के बाद, ये तो बाई चांस हम इस जगह पे गए तो वहां जाके ये कुछ इम्बेलेंस हो गया, अदरवाइज 10,000 किलोमीटर के बाद भाई मैं करवाई लेता हूँ। तो इसलिए यार आप लोग भी कोशिश किया करो कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी की अलाइनमेंट और जो बैलेंसिंग चेक करवा लिया करो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट लाइक और चैनल पे तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।